खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लुका के मुताबिक उसका 11वां बाब 14-23 आयत तक। उस वक्त यीशु एक बदरू को निकाल रहा था जो गूंगी थी, और जब बदरू निकली तो यूं हुआ कि वो गूंगा बोला और हजूम मुत्तजब हुआ, मगर उनमें से बास ने कहा कि वो बदरूहों के सरदार बाल जबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। औरों ने आसमाइश के लिए आसमान पर से कोई निशान उससे मांगा, मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वैरान हो जाएगी और घर पर घर गिरेगा। बस अगर शैतान अपने ही में मुखालफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बाल जबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, तो अगर मैं बदरूहों को बाल जबूल की मदद से निकालता हूँ, फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूँ, तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची है। जब कोई मुसल्ला जोरावर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन अगर कोई उससे भी जोरावर आकर उस पर गालिब आए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बाँट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फरीसियों ने मसीह पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बाल जबूल का साथी है। यीशु ने इस इल्ज़ाम के खिलाफ दो दलीलें पेश कीं। अगर शैतान ही अपने कारिंदों को निकालना शुरू कर दे तो वो अपने खिलाफ काम करने वाला होगा, और इस तरह उसकी अपनी बादशाही बर्बाद हो जाएगी। और दूसरी मिसाल यूँ दी कि यहूदियों में ऐसे झाड़ फूँक करने वाले लोग थे जो बदरूहों को निकालने का दावा करते थे, और फरीसी उनकी तस्दीक करते थे। यीशु का बदरूहों पर इख्तियार इस बात को साबित करता है कि वो मसीह है और कि उसमें रूह कुदस का इख्तियार है। रूह कुदस के खिलाफ कुफर दीदा दानिस्ता मसीह को रद्द करना है। ये गुनाह अपनी नौयत में ऐसा है कि इंसान को निजात की पहुंच से परे ले जाता है। आज की ये आयत फरीसियों की शरारत को भी जाहिर करती है और खुदा की भलाई को भी। पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।